दोस्तों मोटोरोला अपना मोटोरोला एज 50 फ्यूजन के बाद जो है नया फ़ोन लॉन्च करने जा रहा है, और ये लॉन्च आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा, जिसका नाम होने वाला है मोटो G85। और ये फ़ोन जो है आपको जून मंथ में ही लॉन्च देखने को मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम इसी फ़ोन के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या इस फ़ोन की स्पेसिफिकेशन होने वाली है, कितने प्राइस रेंज में आपको लॉन्च देखने को मिलेगा और कब तक लॉन्च होने वाला है। तो मेरा नाम है राहुल और आप सभी का स्वागत है टेक्निकल बार में, जहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं मोटो G85 के बारे में। तो स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले इस फ़ोन के लुक और डिजाइन को लेकर। यहाँ पर इस फोन का लुक जो आपको मोटोरोला एज 50 फ्यूजन की तरह ही देखने को मिलता है। पीछे से आपको डुअल कैमरा का सेटअप होने वाला है, एक LED फ्लैश देखने को मिल जाएगी, बैक में आपको लेदर देखने को मिलती है, नीचे की तरफ आपको मोटोरोला की ब्रांडिंग देखने को मिलने वाली है, वहीं पर पॉलीकार्बोनेट की फ्रेम होगी और डिस्प्ले आपको पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जो कि कॉर्निकोलर ग्लास के प्रोटेक्शन के साथ आने वाली है। वहीं पर इस फोन के अंदर आपको डुअल सिम कार्ड का स्लॉट देखने को मिलता है, नीचे की तरफ आपको 3.5 mm का जैक देखने को मिल जाएगा, डिस्प्ले के ऊपर ही फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक का भी फीचर होने वाला है। बताया जा रहा है इस फोन के अंदर आपको IP की भी रेटिंग देखने को मिलेगी, जिससे फोन आपको डस्ट प्रूफ और वाटर प्रूफ भी देखने को मिलने वाला है। अभी तक कंफर्म नहीं है कि कौन सी IP रेटिंग देखने को मिलने वाली है। अब इस फोन के रैम और स्टोरेज के बारे में बात करें तो ये फोन आपको मल्टीपल वेरियंट्स के अंदर देखने को मिलने वाला है, जिसमें आपको LPDDR4X की रैम और ये फर्स्ट 2.2 का स्टोरेज टाइप देखने को मिलने वाला है। चलिए फोन के एंड्रॉयड वर्जन और UI के बारे में बात कर लेते हैं। तो यह आपको आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 14 पर देखने को मिलेगा और मोटोरोला का UI हेलो UI पर रन करने वाला है। चलिए फोन के बैटरी के बारे में बात करें तो इसके अंदर आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलने वाली है, जो कि 44W के चार्जर के साथ आ सकता है और चार्जर आपको बॉक्स के अंदर ही प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। इस फोन की डिस्प्ले के बारे में बात करें, 6.5 इंचेस की आपको 120Hz AMOLED स्क्रीन देखने को मिल जाती है, जो कि 4K के रेजोल्यूशन के साथ आने वाली है। वहीं पर आपको 1300 nits की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है। इस फोन के अंदर आपको HDR10 और Dolby Vision का सपोर्ट होगा या नहीं होगा ये अभी तक कंफर्म नहीं है, पर मेरे हिसाब से इस फोन के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं पर इसके प्रोसेसर के बारे में बात करें तो इसके अंदर आपको एक नया प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि Snapdragon 6S Gen 3 होने वाला है। ये प्रोसेसर अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है, तो मैं इसके आपको अंतिम स्कोर के बारे में बता नहीं सकता, पर ये आपको कुछ दिनों के अंदर लॉन्च देखने को मिल जाएगा और इस फोन के अंदर आने वाला है। तो चलिए अब फोन के कैमरास के बारे में बात कर लेते हैं, जहाँ पर इसके अंदर आपको डुअल कैमरा का सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें आपको 50 MP का एक वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलेगा, जो कि OIS के साथ आने वाला है, और आपको 9 MP का अल्ट्रा वाइड देखने को मिलेगा। जी हाँ, मैं सही कह रहा हूँ, 9 MP का अल्ट्रा वाइड देखने को मिलेगा, 8 MP का अल्ट्रा वाइड नहीं होने वाला है। और इसके अंदर आपको 2 MP का माइक्रो कैमरा भी देखने को नहीं मिलेगा, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात निकल के आती है। वहीं पर सेल्फी में आपको 32 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। तो ये थी इस फोन की सारी स्पेसिफिकेशन। इस फोन की लॉन्चिंग डेट और प्राइस के बारे में बात करें तो बताया जा रहा है ये फोन आपको जून के एंड वीक तक लॉन्च देखने को मिल जाएगा। वहीं पर इसकी प्राइस जो आपको अंडर 20,000 तक देखने को मिल जाएगी। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये फोन आपको कैसा लगा और इस फोन की प्राइस जो है वो कितनी होनी चाहिए आपके हिसाब से। और टेक्निकल बार को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोज जो रोज लाते रहते हैं। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।